वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल ट्रू होप फार्मेसी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रग के बारे में, जो है ड्रग्स एक्टिंग ऑन अल्जाइमर डिजीज, जो कि हमारे बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर फार्माकोलॉजी के फिफ्थ यूनिट में जो है दिया हुआ है। तो अल्जाइमर डिजीज, तो पहले आप ये जान लीजिए कि अल्जाइमर डिजीज होता क्या है। तो देखिए, पिछली कुछ वीडियो में हमने बात किया था पार्किंसन डिजीज के बारे में, तो हमारे PCI सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अल्जाइमर डिजीज़। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल ट्रू होप फार्मेसी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल करिए, जिससे हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यदि आपको बी फार्मेसी से रिलेटेड कोई भी सिलेबस जो है नोट्स चाहिए तो आप मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज की लेक्चर वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, अल्जाइमर डिजीज जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, अल्जाइमर डिजीज पे ऐसे कौन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अल्जाइमर डिजीज के कौन कौन से ड्रग हैं जो कि अल्जाइमर डिजीज को क्योर करने में हेल्प होते हैं। तो पहले आप ये शुरू करने से पहले आप ये जान लीजिए कि अल्जाइमर डिजीज होता क्या है। तो देखिए, मैंने फर्स्ट पॉइंट यहाँ लिखा है, न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाई प्रोग्रेसिव इम्पेयरमेंट ऑफ मेमोरी। देखिए, एक ऐसा जो न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर है, ऐसा हमारे जो है ब्रेन में होने वाला ऐसा डिसऑर्डर है जो कि कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है, और इसमें क्या होता है, इम्पेयरमेंट ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी, जो है याददाश्त का जो है धीरे धीरे कम होता जाना, ये होती है अल्जाइमर डिजीज। यहाँ देख सकते हैं प्रोग्रेसिव इम्पेयरमेंट ऑफ मेमोरी, जो है प्रोग्रेसिवली या कंटिन्यूसली बढ़ते जाना या याददाश्त का कम होना, यह होता है अल्जाइमर डिजीज। कैरेक्टराइज बाय कोग्निटिव एंड कोग्निटिव फंक्शन, और कोग्निटिव फंक्शन क्या होता है कि जो ऐसे जो है जो कि हमारे ब्रेन के पावर को या ब्रेन की जो है कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, उनका जो है काम करना कम हो जाता है, यह होता है कोग्निटिव फंक्शंस। तो देखिए, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन कि ऐसा न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर है एक, जो कि प्रोग्रेसिवली होता है इम्पेयरमेंट ऑफ मेमोरी। अब बात करते हैं इसमें अदर कौन कौन से सिम्टम दिखाई देते हैं। जैसे देखिए क्या है, डिप्रेशन, उलझन, जो डिप्रेशन जो है, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी एंड डिस्टर्ब्ड स्लीप, जो अच्छे से सो ना पाना, डिस्टर्बेंस होना स्लीप में, एंग्जाइटी होना, उलझन, घबराहट होना, ये सब होता है सिम्टम अल्जाइमर के, अदर सिम्टम्स। तो अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी, नेक्स्ट जो हमारा जो है पॉइंट पैथोफिजियोलॉजी की, ये ड्रग डेवलपमेंट कैसे होती है, पैथोफिजियोलॉजी की वो हमारे बॉडी में कैसे डेवलप होती है अल्जाइमर। तो देखिए, एट्रोपी ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, कोलिनर्जिक न्यूरॉन, ये कोलिनर्जिक न्यूरॉन में जो है एट्रोपी होना, उसमें जो है उसके न्यूरॉन्स का जो है डिग्रेडेशन होना, न्यूरॉन्स में जो है डीजनरेट हो जाना, अच्छे से जो है उसका काम ना करना न्यूरॉन्स का, ये होता है आपका पैथोफिजियोलॉजी। मल्टीपल सेंटाइल एमिलॉयड प्लैक्स एंड न्यूरोफिब्रिलेटरी टैंगल्स इन द ब्रेन, ब्रेन के जो नर्व्स होते हैं या न्यूरॉन्स होते हैं उनमें फाइब्रेबिलिटी आ जाना, उनमें जो है अकड़न आ जाना, या उसमें कुछ एमिलॉइड या कुछ ऐसे के जो है उस नर्व्स में किसी ऐसे केमिकल्स का जमा हो जाना, जिससे क्या हो कि वो फेब्राइल हो जाए, उसमें जो है स्मूदनेस ना रहे, तो वो होती है पैथोफिजियोलॉजी, एमिलॉइड, जैसे मैंने यहाँ एक वर्ड यूज किया है, तो कि पैथोफिजियोलॉजी। अब बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन अल्जाइमर डिजीज़, कि अल्जाइमर डिजीज़ में जो है कौन कौन से ड्रग यूज किए जाते हैं। तो पहला आपका है कोलिन स्टेज इनहिबिटर। देखिए, कोलिन स्टेज इनहिबिटर हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, कोलिन स्टेज इनहिबिटर यहाँ इसलिए यूज कर रहे हैं कि ये, क्योंकि ये कोलिन स्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, और इनहिबिट करने से क्या होता है कि जब इनहिबिट कर देगा तो उस पर जो है हमारे रिसेप्टर पे जो है ये एसिटाइल कोलिन ज़्यादा अमाउंट में होगा, और वो जो है इम्प्रूव करेगा हमारे न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन को, तो इसमें आपका ड्रग है, क्योंकि जो ये डिजीज है ये होता है आपका कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स में। तो देखिए, इसमें आपका ड्रग है टैक्रिन है, रिवाइस टैगमिन है, डोनपेजिल है, और है ना ग्लेंटामिन है, ये आपके ड्रग हैं जो है कोलिन स्टेज इनहिबिटर। दूसरा आपका ड्रग है न्यूट्रॉपिक एजेंट्स, या इसी को कहते हैं कोग्निशन एनहेंसर, जो हमारी बुद्धिमता या हमारे ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ा दे। इसमें आपका आता है पायरासिटाम एंड एनायरासिटाम, ये दोनों ड्रग जो है, ये जो न्यूट्रॉपिक एजेंट्स है, ये ज़्यादा यूजफुल नहीं है अल्जाइमर डिजीज में, लेकिन हम लोग क्लासिफिकेशन में यूज करते हैं। देखिए, तीसरा आपका है NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, N-methyl-D-aspartate, NMDA का फुल फॉर्म है N-methyl-D-aspartate रिसेप्टर, ये ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो ग्लूटामेट रिसेप्टर होते हैं, या कह सकते हैं कि जो हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं, तो उनको एंटागोनाइज करने वाले ड्रग हैं मोमेंटिन, ये तो हो गया। अदर्स में आपका ड्रग आता है पायरीवेडिल एंड
गिंकगो बिलोबा। ये गिंकगो बिलोबा को हम वीडियो के लास्ट में जो है डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। तो हम पहला देखते हैं यहाँ पे कोलिन स्ट्रेज इनहिबिटर में जो हमारा फर्स्ट लाइन ड्रग है वो है टैक्रिन। तो टैक्रिन में देख लेते हैं ये क्या है, सेंट्रली एक्टिंग कोलिन स्ट्रेज इनहिबिटर। ये क्या करते हैं, सेंट्रली हमारे कोलिन स्ट्रेज इनहिबिटर रिसेप्टर को इनहिबिट कर देते या एंजाइम को जो है इनहिबिट कर देते हैं, जिससे जो है एस्टाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर का डिग्रेडेशन नहीं होता है। और जब डिग्रेडेशन नहीं होगा तो वो जो है रिसेप्टर पे ज़्यादा अमाउंट में पहुँचेंगे और जो है लॉन्ग एक्टिंग होंगे। देखिए शॉर्ट एक्टिंग एंड कॉज द बेन्स साइड इफेक्ट, शॉर्ट एक्टिंग होते हैं और क्या करते हैं हमारे बेन्स में साइड इफेक्ट कॉज करते हैं, जिससे क्या होता है एब्डोमिनल क्रैम्स एंड हिपेटोटॉक्सिसिटी। जो हमारे जो है एब्डोमिनल या स्टमक में पेन होना और हिपेटोटॉक्सिसिटी, कार्डियक टॉक्सिसिटी, लीवर में जो है टॉक्सिसिटी कॉज कर देता है। ये तो होगी कोलिन स्ट्रेज इनहिबिटर टैक्रिन की बात। अब हम दूसरा बात करते हैं, न्यूट्रोपिक एजेंट्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि उसका जो है बहुत ही कम यूजफुल है अल्जाइमर डिजीज में। तो अब देखते हैं न्यूअर एजेंट्स इसी में, जो कोलिन स्ट्रेज इनहिबिटर में न्यूअर एजेंट जैसे रिवास्टिग्मिन और डोनपेजिल है, तो इसका क्या है ये जो है उससे अच्छे ड्रग है और उससे जो है वेल टॉलरेटेड है, बेटर टॉलरेट कर सकते हैं और उसका कम साइड इफेक्ट होता है रिवास्टिग्मिन न्यूअर एजेंट्स का। ये भी एक तरह के कोलिन स्ट्रेज इनहिबिटर है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इसमें क्या है, इंक्रीज एस्टाइल कोलिन इन सर्वाइविंग न्यूरॉन एंड इम्प्रूव रिस्पॉन्स। जो सर्वाइविंग न्यूरॉन्स होते हैं जिनमें जो है फाइब्रिलिटी जो है प्रोड्यूस होना शुरू हुआ है, उसमें क्या है एस्टाइल कोलिन के अमाउंट को बढ़ा देते हैं जिससे उसका जो है एक्शन इम्प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर नॉट हिपेटोटॉक्सिक एंड लॉन्गर एक्टिंग। ये जो है हिपेटोटॉक्सिसिटी या लीवर टॉक्सिसिटी कॉज नहीं करते हैं और लॉन्गर एक्टिंग होते हैं और लंबे समय तक के लिए काम करते हैं। ये तो आपकी हो गई कोलिन स्ट्रेज इनहिबिटर की बात। अब हम बात करते हैं एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। एनएमडीए रिसेप्टर जो कि एन मिथाइल डी स्पार्टेट रिसेप्टर को एंटागोनाइज या डिप्रेस करते हैं, उनमें आपका फर्स्ट लाइन ड्रग है मोमेंटिन। क्या है, यूजफुल इन पेशेंट्स इन मॉडरेट एंड सीवियर अल्जाइमर डिजीज। ये जो मोमेंटिन ड्रग है इसका यूज किया जाता है ऐसे पेशेंट्स में जिनमें जो है यहाँ मॉडरेट या हाई सीवियर जो है अल्जाइमर डिजीज होता है। इसका आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या मोमेंटिन का। इसमें क्या है, ब्लॉकेड ऑफ ग्लूटामेट इंड्यूस्ड एक्साइटोटॉक्सिसिटी। ये ग्लूटामेट रिसेप्टर पे जो है जाके एंटागोनाइज कर देते हैं। अब बात करते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट में, तो एडवर्स इफेक्ट में देखिए क्या है, डिजीनेस एंड हेडेक, सरदर्द और डिजीनेस जो है उलझन घबराहट होना। अब ये तो हो गया आपके दो कोलिन स्ट्रेज इनहिबिटर और दूसरा आपका है एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो देखिए अब हम बात करते हैं जो अदर ड्रग में हमारा एक था गिंकगो बिलोबा। ये आपका जो है एक फाइटोकेमिकल है या फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो कि हम फार्माकोग्नोसिस से रिलेटेड है, हर्बल ड्रग है। तो इसका हम देख लेते हैं, देखो ये क्या है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द चाइनीज प्लांट। ये जो गिंकगो बिलोबा है इसको यूज किया, दो नंबर में आपसे अलग से पूछ सकता है एग्जाम में कि गिंकगो बिलोबा क्या है। तो देखिए गिंकगो बिलोबा क्या है, एक्सट्रैक्ट ऑफ चाइनीज प्लांट, चाइनीज प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया गया है, कंटेन इसमें कंटेन करता है गिंकगो फ्लेबिन ग्लाइकोसाइड। इसमें एक तरह का ग्लाइकोसाइड होता है जिसको कहते हैं गिंकगो फ्लेबिन फ्लेबोन ग्लाइकोसाइड। ये क्या करता है, एक्ट करता है हमारे एज ए पी ए एफ एंटागोनिस्ट। पी ए एफ क्या है, देखिए प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, एक तरह का रिसेप्टर या जो है साइट होता है उसको ये एंटागोनाइज कर देते हैं जिससे प्लेटलेट नहीं बन एक्टिवेट नहीं हो पाता। और जब प्लेटलेट नहीं एक्टिवेट होता तो ये टी एक्स को प्रोडक्शन को कम कर देते हैं, जिससे क्या होता है इनहिबिट होता है हमारा प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्लेटलेट्स एग्रीगेट्स नहीं हो पाते, इकट्ठे नहीं हो पाते हमारे ब्लड वेसल्स में। इसीलिए इसको क्या यूज एज अ कोग्निशन इन्हेंसर, इसीलिए ये जो गिंकगो बिलोबा है इसका यूज हम कोग्निशन इन्हेंसर या जो है ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। तो ये आपका पूरा था अल्जाइमर डिजीज, हमारे सिलेबस में अल्जाइमर डिजीज ज़्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है, तो ये आपका एक ही लेक्चर वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, हो गया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे होम।